तो स्वागत गाइस आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ रोहिणी में, एक नया इस्कॉन टेम्पल खुला है जो कि अभी लगभग 4-5 महीने हुए होंगे। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, सोचा आया हूँ तो ब्लॉग बना लूँ और आप लोगों को भी घुमा दूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सड़क पे हूँ, हाईवे पे, जो कि जस्ट थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट में ही मंदिर है। तो अभी चल के आपको मंदिर दिखाते हैं अच्छे से। ये रोहिणी में नया बना है इस्कॉन टेम्पल, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में देख लेना जिसको आना है, लोकेशन वगैरह सब कुछ। तो अभी फटाफट से चलते हैं मंदिर में और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको मंदिर की बैक साइड दिखा रहा हूँ, देख सकते हो मंदिर की बैक साइड है और यहाँ पे पार्क वगैरह है। और ये पीछे वाला रास्ता है जो आगे मेन रास्ता है ना, उधर से जो है गार्ड जो है मना कर रहा है, कह रहा अभी मंदिर बंद है, मंदिर जो है 4 बजे खुलता है। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी आ गया, अभी लगभग 2 घंटे है मंदिर खुलने पर। अभी जाके देखते हैं, क्या पता एंट्री हो रही है ना हो रही हो, गार्ड तो कुछ भी कहते हैं। तो अभी चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो ऐसी मशीन रख रखी है, यहाँ से कौन एंट्री करेगा। तो ये देखो गाइस ये है मंदिर, यहाँ पे कुछ पीने की व्यवस्था भी है यहाँ पे। तो फिलहाल देख सकते हो गेट अभी बंद है, जनता कैसे बैठी हुई है। तो गाइस देख सकते हो ये है इस्कॉन टेम्पल का मेन गेट जो कि फिलहाल अभी बंद है, जो कि 4 बजे खुलेगा। अभी लगभग 1 घंटा इसको खुलने में। तो लोग बैठे हुए हैं देख सकते हो यहाँ गेट पे और आसपास खड़े हुए हैं। वहाँ पे है पार्किंग, ये 2 नंबर गेट और ये 1 नंबर गेट, 2 ही गेट है बस। ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है पर है, पर पता नहीं बंद है पर फिर भी लोग ऊपर है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। शायद ये यहीं के लोग होंगे जो काम करते हैं इसमें। बाकी देखो ये लोग बैठे हुए हैं, ये मंदिर बंद कर रखा है तो ये औरतें कैसे घूम रही है मंदिर के अंदर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। यहाँ बंदे बाहर खड़े हुए हैं, कितनी जनता बाहर है और यहाँ लोग अंदर भी घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है। इस्कॉन टेम्पल तो आगे अभी लगभग है 1 से 1.5 घंटा खुलने में, 4 बजे खुलता है। तो अभी बंद है तो अभी मैं पार्क में आके यहाँ पे बैठ गया हूँ। जस्ट सामने ये ऐसा पार्क है, देख सकते हो जंगल सा ही है, छोटा सा है और इसके सामने उस तरफ जो है मेन सड़क है। तो अभी मैं यहीं पे बैठा हूँ, स्कूटी पार्किंग में लगा दी है क्योंकि वैसे मैं जब ज़्यादा घूमता नहीं हूँ पर काफ़ी दिनों से ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा चलो आज का थोड़ा मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है तो चल के थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं। इस्कॉन टेम्पल पास ही में है तो आ गया घूमने के लिए, अब यहाँ पर बंद मिला। तो आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग आते हो शाम को अगर आ रहे हो तो 4 बजे करीब आना क्योंकि 4 बजे खुलता है, तो फिर लोग अंदर जाते, वरना आपको ऐसे ही बाहर बैठना पड़ेगा या यहाँ पार्क वगैरह में ऐसे ही घूमना पड़ेगा, है ना। और बाकी तो और तो कुछ नहीं, मंदिर तो आपको दिखाई दिया, यहाँ से दिख रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे ये वाला पेड़ आ गया इसकी वजह से नहीं दिख रहा वरना दिख जाता। बाकी देख सकते हो लोग घूम रहे हैं यहाँ पे पार्क में, टाइम पास कर रहे हैं। तो खैर यहाँ के इस्कॉन टेम्पल की पूरी टाइमिंग की बात करता हूँ, ये सुबह 9 बजे खुलता है और 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है और 1 बजे बंद हो जाता है, फिर 4 बजे खुलता है, फिर 4 बजे के बाद ये 9-10 बजे करीब बंद होता है। ये टाइमिंग है इसकी सुबह की और शाम की। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अभी प्रसाद लगाया गया, अब ये देने के लिए है या खरीद के अंदर चढ़ाने के लिए ये नहीं पता, अभी देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ, अभी पर खुला नहीं है, अभी देख सकते हो यहाँ पे कैसे डिज़ाइन है, अभी यहाँ पे काम चल ही रहा है। तो भाई देख सकते हो मंदिर के अंदर तो एंट्री हो गई है पर अभी फ़िलहाल जो मेन गेट जो है वो नहीं खोला गया है, कितना टाइम लगेगा खुलने में। अभी मंदिर से जो है बाहर निकाल रहे क्योंकि अब जो है एंट्री स्टार्ट होगी, तो देख सकते हो लाइन लगा दी हुई है, कितनी लंबी लाइन है देख सकते हो, इतनी लंबी लाइन है। तो गाइस एंट्री हो चुकी है, देखो लोग कैसे भाग भाग के जा रहे हैं, इधर मैं दिखा दूँ, यहाँ से गेट से एंट्री हो रही है। तो चलिए गए चलते हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, ये देख सकते हो एक रास्ता उधर है और यहाँ बीच में जाएंगे। और यहाँ का आर्किटेक्चर दिखाता हूँ मैं, डिज़ाइन देख सकते हो कैसा है, और ये वाला डिज़ाइन भी देख लो। तो चले गए तो और ऊपर चलते हैं, ये देखो गाइस ये हम आ चुके हैं इसकी पहली मंजिल पे, इधर से हवा आ रही है काफ़ी अच्छी।
गाइस एक मंजिल और है ऊपर। ये देख सकते हो यहाँ पे काम वाम चल रहा है, अभी यहाँ पर बना नहीं है, अभी फिलहाल मंदिर का काम चल रहा है। यहाँ से एक मंजिल है ऊपर जाने के लिए, और अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बालकनी वगैरह कैसा व्यू है यहाँ से। ये देखो गाइस ये लाइन देख सकते हो आप लोग मंदिर के अंदर आने की, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। अब इसके ऊपर भी चलते हैं। देखो गाइस ऊपर चलते हैं तीसरी मंजिल पे। यह है मेन टेंपल, ये अभी बंद है शायद, नहीं खुला उस साइड से खुला है, तो पहले यहाँ का दिखा देता हूँ मैं। यहाँ के मार्बल का डिजाइन दिखाता हूँ आप लोगों को। देख सकते हो कितना बढ़िया डिजाइन है। ये गेट्स देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ मूर्तियाँ। भीड़ देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितनी है। जो है राधा कृष्ण का कपाट अभी बंद है, और ये डिज़ाइन देखो कितना अच्छा है, इसकी सुंदरता जितनी शब्दों में कहूँ ना बयान नहीं की जा सकती। Yeah।
तो गाइस यहाँ पर इस्कॉन टेंपल में लिफ्ट भी है। देख सकते हो बाकी काफी कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है। तो गाइस इस्कॉन टेंपल घूम लिया है, आप जा रहे हैं हम घर पे क्योंकि काफी टाइम हो गया, अधिकतर टाइम तो वेट करते करते हो गया। तो गाइस अभी फिलहाल मैं पार्किंग आ चुका हूँ, स्कूटी लेके आप जा रहा हूँ घर पे। काफ़ी ज़्यादा थक गया, बहुत आया तो बहुत देर का हूँ क्योंकि टाइमिंग नहीं पता थी मंदिर की, मंदिर बंद था तो 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। फिलहाल पर अब घूम भी लिया, अब जा रहा हूँ घर पे, आप लोगों को दिखा भी दिया। किसी और दिन आएंगे फैमिली के साथ तब और अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे।